नमस्कार, मैं दीक्षा अजेस्टो मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूँ। आज है 15 मार्च और दिन है बुधवार। बात करेंगे जीरा सुपारी की पूछताछ बढ़ने से तेज हो गई है, वहीं बिकवाल आने से छोटी इलायची जायफल ढीले पड़ गए हैं। किराना बाजार में स्टॉकिस्टों की लिवाली मजबूत बनी होने से जीरा सामान्य में 200 रुपये प्रति क्विंटल और सुपारी में 10 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी आई है। वहीं दूसरी ओर लिवाली कमजोर पड़ने से छोटी इलायची 6.5 mm और 7.5 mm 25-25 रुपये प्रति किलोग्राम से मंदा हो गया है। जायफल भी 10 रुपये घटाकर बोला गया। मेवा बाजार में लिवाली मजबूत बनी होने से बादामगिरी में 5-10 रुपये प्रति किलोग्राम का सुधार आया। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको देश और दुनिया की सारी खबरें दे सकें। आगे बढ़ते हुए, स्टॉकिस्टों की लिवाली मजबूत बनी होने से जीरा सामान्य 200-300 रुपये तेज होकर 30,400-31,000 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुँच गया है। बीते दिन भी इसमें 300 रुपये की तेजी आई थी। सुपारी, जीनी, सागर, मेंटेपिलियम, जहाजी और मोटी 5-10 रुपये बढ़कर 440 रुपये, 450 रुपये, 460 रुपये, 465 रुपये और 440 से लेकर 445 रुपये और 460 से लेकर 465 रुपये और 470 से लेकर 480 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। दूसरी ओर लिवाली कमजोर पड़ने से साबूदाना 6,200-6,500 रुपये प्रति क्विंटल पर 300-500 रुपये टूट गया। छोटी इलायची 6.5 mm और 7.5 mm 25-25 तेज होकर 1,250 और 1,300 रुपये और 1,725 और 1,825 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। जायफल 680-690 रुपये प्रति किलोग्राम पर 10 रुपये घटाकर बोला गया। केसर ईरानी और कश्मीरी क्रमश 105 और 110 रुपये, 120-135 रुपये प्रति ग्राम पर 10-15 रुपये मंदा हुआ। मगज तरबूज 380-382 रुपये प्रति किलोग्राम पर 2-3 रुपये नरम हुआ है। और मेवा बाजार में लिवाली मजबूत बनी होने से बादामगिरी, कैलिफोर्निया और गुरबंदी 595 से लेकर 600 रुपये, 570 से लेकर 580 रुपये प्रति किलोग्राम पर 10-10 रुपये बढ़ाकर बोला गया है। अजस्ट मनी गुरु बैलेंस कमोडिटीज पर काम करके आपको हर जानकारी देता है। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और किसी भी पेड जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।